वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर वेनम सिम्बायोट कंबाइन हो जाए थॉर के साथ या फिर हल्क के साथ, और किस बड़े लेवल पे हमें इनकी पावर्स में इंक्रीज या फिर डिक्रीज देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर वेनम सिम्बायोट कंबाइन हो जाए थॉर के साथ तो कौन सी ऐसी स्पेशल एबिलिटी जो कि थॉर के पास नहीं है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे वेनम थॉर में। वैसे तो थॉर कहने को गॉड ऑफ थंडर है, लेकिन थॉर द रैग्नारोक मूवी में हेला का पावर लेवल थॉर से काफी ज्यादा अलग था, और क्या चीज यहाँ पे हेला को अलग बनाई रही थी और जो वेनम के पास भी थी वो है मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटी, जो कि थॉर के पास हमें अभी तक एमसीयू में देखने को नहीं मिली है। इस एबिलिटी की मदद से हेला डिफरेंट वेपन्स को जो है फॉर्म करने में कामयाब हो पाई थी रैग्नारोक मूवी में। और यही नहीं, वेनम भी ऐसा कर सकते हैं, यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर से ही ब्लेड्स को, एक्सिस को और शील्ड्स को, और यहां तक कि बैट विंग्स को भी अपने बॉडी के अंदर से ही फॉर्म कर सकते हैं। और गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि हेला ने थॉर की आंख फोड़ दी थी और उस आंख को जो है वापस रिजनरेट करने में थॉर नाकाम हुए थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उनके पास जो है सुपर ह्यूमन हीलिंग, सुपर ह्यूमन रिजेनरेटिव फैक्टर था, लेकिन अगर यहाँ पे वेनम उस वक्त होता तो वेनम की मदद से वो ऑर्गन फिर से वहाँ पर, यानी कि उनकी आँख फिर से रिजेनरेट हो जाती, क्योंकि वेनम के पास ऐसी पावर है कि वो ऑर्गन्स तक को जो है रिजेनरेट जेनेटिकली कर सकते हैं। और वेनम की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने पुराने होस्ट की पावर्स को अडेप्ट कर लेता है, और जब इसे कोई नया होस्ट मिल जाता है तो इसे वो अपने पुराने होस्ट की पावर्स भी दे देता है। और व्हाट इफ कॉमिक सीरीज में जब स्पाइडरमैन को छोड़ के वेनम सिम्बायोट चला जाता है और सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर यानी कि हल्क को अपना नया होस्ट बना लेता है, जिसके बाद हल्क और थॉर के बीच फाइट होती है जहां पे थॉर जीत जाते हैं, और इसी को देखते हुए जो है वेनम नया होस्ट जो है थॉर को बना लेता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हल्क की भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है अब थॉर में एडिशनली ऐड हो गई होगी, और क्योंकि थॉर हमेशा से ही हल्क के ऊपर हावी रहे हैं तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता कि इस सब के बाद जो है हल्क थॉर से जीत सकते हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि थॉर के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि वो किसी भी सीवियर अटैक को भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था जब थैनोस ने थॉर की पूरी शिप को जो है ब्लास्ट कर दिया था, तब भी जो है थॉर सर्वाइव कर गए थे। और कॉमिक बुक के हिसाब से अगर वेनम को पावर्सों जैसी खतरनाक हीट सिग्नेचर के सामने रखा जाए तो वेनम डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अगर थॉर वेनम के साथ कंबाइन हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर थॉर अपनी थंडरिंग पावर का भी यूज करते हैं या फिर उनके ऊपर पावर स्टोन का भी यूज किया जाता है तब भी थॉर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वेनम अपने होस्ट की पावर्स को एनहेंस नहीं करता, बढ़ाता ही नहीं है, बल्कि उनकी पावर्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करता है। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि हमारे हरे भरे दानव हल्क और वेनम के कॉम्बिनेशन की। तो व्हाट इफ कॉमिक सीरीज के हिसाब से जब स्पाइडरमैन को छोड़कर वेनम ने हल्क को अपना होस्ट बना लिया था तो इसने सबसे पहले हल्क को तो स्ट्रांग बना लिया था, लेकिन इसकी वजह से वेनम में एक जो खास पावर है यानी कि फास्ट हीलिंग की पावर और रिजेनरेटिव पावर, उसकी मदद से इसने ब्रूस बैनर के अंदर से सारी गामा रेडिएशन की म्यूटेशन मिटा दी थी, जिसकी वजह से आगे चल के ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर हम करंट वर्जन ऑफ एमसीयू हल्क की बात करें जो हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारोक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा, तो इस हिसाब से हल्क अब सिर्फ एक म्यूटेशन ही नहीं है जो कि गामा रेडिएशन की वजह से क्रिएट हुई थी, बल्कि हल्क एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है ब्रूस बैनर की ही तरह, जिसके पास अपनी थिंकिंग, अपने इमोशंस और अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस भी है। और अगर हम एमसीयू के करंट वर्जन हल्क का कॉम्बिनेशन करें वेनम के साथ, तो हल्क के पास जो अपनी सुपर स्ट्रेंथ है यानी कि 100 टन्स का वेट लिफ्ट करने की, उसको वेनम 70 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वेनम के पास अपनी वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी है वो है 70 टन्स, और माना जाता है कि ये वेनम की रियल कैपेसिटी नहीं है, इससे भी ज्यादा वेनम वेट लिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हल्क की अल्टीमेट सुपर स्ट्रेंथ डबल हो सकती है। और गाइस, आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के उस सीन से रिलेटेड जहां पे स्कारलेट विच टेलीपैथिकली कंट्रोल कर लेती है ब्रूस बैनर के माइंड को, जिससे कि हल्क फुल्ली अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर यहां पे वेनम सिम्बायोट का कॉम्बिनेशन उस टाइम हल्क के साथ मौजूद होता तो स्कारलेट विच पूरी तरीके से हल्क को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि वेनम के पास टेलीपैथिक रेजिस्टेंस पावर है, जिसकी मदद से वो किसी भी टेलीपैथ को अपने माइंड को रीड करने से या फिर उसके होस्ट के माइंड को रीड करने से रोक सकता है। और वो इसलिए क्योंकि यहां पे वेनम और होस्ट दो पर्सनालिटीज होती है जिनकी अपनी अलग अलग एक मेंटल थिंकिंग होती है, और यहां पे तो तीन पर्सनालिटीज थी, ब्रूस बैनर, हल्क और वेनम सिम्बायोट, जिसकी मदद से यहां पे स्कारलेट विच ना शायद कंट्रोल कर पाए हल्क वेनम वर्जन को। और वहीं अगर आप बात करें कि स्पाइडर वेब्स को कौन अच्छी तरीके से यूज कर सकता है थॉर वेनम में से या फिर हल्क वेनम में से, तो यहां पे स्पाइडर वेब्स का बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं थॉर, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल वॉरियर स्किल्स है, वो वॉरियर है एसगार्ड के। जबकि अगर हम हल्क की बात करें तो यहां पे हल्क का एक तो सबसे पहले वेट भी ज्यादा है, ऊपर से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इस स्पाइडर वेब की वो लिमिटेड होती है, तो ऐसे में चांसेस बनते हैं कि हल्क जो है पूरी तरीके से ऐसा ना कर पाए। और हल्क को इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो लैंड से ही अपना जो है मोमेंटम क्रिएट करके फ्लाई करते हैं। और वहीं अगर बात करें वेनम के पॉइजनस टीथ के बारे में, तो वेनम के पॉइजनस टीथ को हल्क सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये टीथ इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं कि इसने एक बार जब
सैंडमैन को बाइट कर लिया था तो उसकी रिजनरेटिव पावर पूरी तरीके से बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से वो एंड में मर भी गया था। क्योंकि हमारा हल्क दानव है और उसका कोई फिक्स फाइट पैटर्न नहीं है, तो इसकी मदद से वो जो है इन टीथ्स, पॉइजनस टीथ्स को अच्छे से अपने अपोनेंट्स के खिलाफ यूज कर सकता है। और गाइस, ये तो मैंने अभी आपको जो है कुछ ही पावर्स गिनाना शुरू किए, अगर मैं थॉर वेनम या फिर हल्क वेनम पे और पावर्स गिनाने बैठा तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कॉमिक बुक में हमें ऐसा कभी नहीं दिखा कि पूरी तरीके से हल्क वेनम या फिर थॉर वेनम ने अपनी पावर्स का यूज किया हो, क्योंकि ये जो है दोनों वर्जन ये हमें बहुत ही कम टाइम के लिए कॉमिक बुक में और अल्टरनेट यूनिवर्स में दिखे हैं। और गाइस, फ्यूचर में क्या आप ऐसे कॉम्बिनेशन वीडियो देखना चाहोगे और क्या आपको ये कॉम्बिनेशन वीडियो पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।